मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में तो सिर्फ इतिहास को पलटा ही गया है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इतिहास को उल्टा ही कर दिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहने के बाद भारत और पाकिस्तान करीब 71 साल पहले एक ही साल आजाद हुए थे। 14-15 अगस्त 1947 के बाद भले ही भारत पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन इससे पहले दोनों एक ही मुल्क थे और जाहिर है कि उनका इतिहास भी एक ही रहा है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बच्चे अलग अलग इतिहास पढ़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, भारत और पाकिस्तान में स्कूली किताबों में इतिहास के बारे में अलग अलग जानकारी दी जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत पाक के बीच हुए युद्ध के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। मित्रों, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की किताबों में भारत से अलग जानकारी दी जाती है। भारत की किताबों में पढ़ाया जाता है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह पहले किसी भी देश के साथ नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बाद में जब घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। तो वहीं पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता है कि हरि सिंह ने कश्मीर में मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार किया और बाद में कई लड़ाकों ने कश्मीर के बड़े हिस्से को आजाद करवा लिया था, जिसके बाद हरि सिंह को भारत में कश्मीर का विलय करना ही पड़ा। चलिए अब बात करते हैं विभाजन को लेकर। मित्रों, विभाजन को लेकर पाकिस्तान की किताबों में ऐसी जानकारी दी जाती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की कक्षा 4 की किताबों में विभाजन के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बताया गया है। किताब में लिखा है कि विभाजन के समय जब लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे थे तो यहाँ के मुस्लिम उनकी मदद कर रहे थे, जबकि भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों को लूटा जा रहा था और उन पर अत्याचार किया जा रहा था। वहीं विभाजन के कारणों को लेकर पाकिस्तान की 12वीं कक्षा की एक किताब में लिखा है कि आजादी मिलने के बाद मुस्लिम चाहते थे कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जो पूरी तरह इस्लाम के नियमों पर आधारित हो। हालांकि उन्हें ये पता था कि भारत में हिंदू ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए वो यहाँ हिंदू कानून बनाएंगे और इस कानून में मुस्लिम को अछूत की नजर से देखा जाएगा। साथ ही मुसलमानों को उस वक्त ये डर था कि कहीं मुसलमान हिंदुओं के गुलाम ना बन जाएं। चलिए अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के योगदान के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान की किताबों में अलग अलग है। मित्रों, जहाँ भारत की किताबों में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान था और वो भारत के एकीकरण के पक्ष में थे, लेकिन मुस्लिम लीग की मांग के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। वहीं पाकिस्तान की किताबों में महात्मा गांधी के योगदानों को महत्व नहीं दिया गया है। किताबों में लिखा है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के आत्मसम्मान और उन्हें स्वतंत्रता दिलाए जाने के लिए लड़ी। तो वहीं भारत की किताबों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया गया है। इस आंदोलन के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का बहिष्कार किया गया। लेकिन मित्रों, पाकिस्तान की किताबों में सविनय अवज्ञा आंदोलन की कोई चर्चा ही नहीं है। तो वहीं मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 युद्धों को लेकर भी पाकिस्तान की किताबों में जीत का दावा किया जाता है। दोनों देशों की ओर से शहीदों की संख्या या दोनों देशों की कार्रवाई के आधार पर जीत का दावा किया जाता है। मित्रों, आज की वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान कैसे उस इतिहास को पूरा उल्टा करने की कोशिश कर रहा है, जिस इतिहास की गवाह पूरी दुनिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।